हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खैर आफियत और से ज़िंदगी सलामती लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे, से ज़िंदगी सलामती के साथ होंगे और अब रमज़ान की तैयारियाँ कर चुके होंगे और ऑल सेट गो होंगे रमज़ान को वेलकम करने के लिए। तो जी, कल से रमज़ान शुरू हो रहा है माशाल्लाह और आज है पीर का दिन और कल से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना जो है वो शुरू हो रहा है। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की और खालिस रोज़े और खालिस नमाज़ें अदा करने की और खुशो खुशू के साथ नमाज़ें अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमान। तो कल से हो रहा है रमज़ान का महीना शुरू और रमज़ान का महीना शुरू होते ही बड़ी रहमतें और बरकतें जो हैं वो नाजिल होना शुरू हो जाती हैं और बाकायदा आपको फ़ील होता है, हर काम आपका वक्त पे हो जाता है, मुश्किल से मुश्किल काम भी जो है वो खैर और बरकत के साथ जो है वो अंजाम पा जाता है। तो जी, अब हम मैं भी गेट सेट रेडी हूँ, नहा धो के अल्हम्दुलिल्लाह नए कपड़े जो है वो ज़िप तंग कर लिए हैं और अभी बस जा रही थी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। तो आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आज शाम से ही है जो है वो हम रमज़ान के बाबरकत महीने में जो है वो एंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला खैर आफियत वाला, सेहत वाला, सलामती वाला रमज़ान हम सबको जो है वो अता करे, आमीन। साथ ही साथ अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक अता करे कि हम सब जो है वो खुशो खुजू के साथ अल्लाह के हुजूर इबादत करें, कुरान की तिलावतें करें, इबादत करें और हमारे रोज़ों को, हमारी नमाज़ों को अल्लाह ताला जो है वो कबूल फरमाए। तो मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान करीम मुबारक हो, बहुत ज़्यादा मुबारक हो आप सबको। और बस अब जो है वो मेरे थोड़े बहुत काम रह गए थे, छोटे छोटे काम रह गए थे जिससे भी फ़िलहाल जो है मैंने चने भिगो दिए हैं, बॉयल करके रख लूँगी और रात में ही, और अभी मैंने इमली की चटनी बस मेरी रह गई थी वो मैंने चढ़ा दी है तो वो भी हो जाएगी रेडी। तो बस ये है कि ऑल सेट, आई एम श्योर कि सब घरों में जो है यही और का तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी होंगी रमज़ान को वेलकम करने के लिए। तो छोटा मोटा आज जो भी ब्लॉग जो है मैं शूट कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जिस जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं आप लोगों के साथ जो है रमज़ान के छोटे जो भी ब्लॉग्स मैं शेयर कर पाऊँगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और रमज़ान मनाएँ खैर आफियत के साथ और खुशियों के साथ। यहाँ पर जो है वो चलने पहले मैंने रख दिए हैं, अब इनको मैं बॉक्स में डाल कर रख लूँगी ईज़िली, ताकि जो है वो फिर रमज़ान में काम आते रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने जो है वो बना ली है इनकी चटनी भी बना ली है और उसको भी मैं बस अभी सेव कर लूँगी बॉक्स में, और रमज़ान के लिए जो चीज़ें संभालों की वो भी निकाल कर रखी हैं। तो बस अब असर हो चुकी है और मगरिब होगी और मगरिब के साथ ही इंशाल्लाह हमारा रमज़ान शुरू हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। सही कह रही हूँ, तो बच्चे बैठे मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ फिलहाल, अभी जाती हूँ और यहाँ पर काफ़ी शोर भी हो रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पर मेरी इमली की चटनी रेडी हो गई थी और ये छोटा सा व्लॉग जो है मैंने आज के दिन शूट किया था आप सबके लिए। तो आप सबको एक दफ़ा फिर मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से रमज़ान करीम मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब लोगों के घर में बरकतें ही बरकतें हों और रहमतें ही रहमतें हों। तो हम सब जो हैं चले चल के मनाते हैं इस प्यारे से रमज़ान को। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ भी अदा कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत शुक्र है कि उसके करम से, उसकी रहमत से जो है वो पहली तरावी भी माशाल्लाह अदा कर ली है, ईशा की नमाज़ भी अदा कर ली है। बस अभी जो है वो कुरान में पढ़ने लगी हूँ और कुरान बस अब पढ़ूँगी तो इतनी खुशी हो रही है, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। मैं हर साल बहुत एक्साइटेड होती हूँ और आई एम श्योर हर मुसलमान के लिए ये बहुत बड़ी सआदत है कि उसको जो है रमज़ान के पूरे रोज़े मिल जाएँ। तो अल्लाह ताला हम सब के घरों में खैर अता करे, बरकत अता करे, खैर के साथ, सलामती के साथ, खुशियों के साथ एक अच्छा रमज़ान हम सबका गुजर जाए। और उम्मीद करती हूँ कि आने वाली ईद भी आप सबके घरों में खैर के साथ, सलामती के साथ हो। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह कल पहले रोज़े के दिन। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अब तो रमज़ान की सातों में हम एक, वो कहते हैं ना, एक बहुत ही बरकत वाले ऑरा में हम लोग एंटर हो चुके हैं। तो मुझे भी दुआओं में अपने याद रखिएगा, मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखूँगी। तो मेरी तरफ़ से आप सबको एक दफ़ा फिर रमज़ान करीम की बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। मेरे तमाम वो व्यूवर्स जो इंडिया में रहते हैं उन तमाम व्यूवर्स को भी रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।